हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम रेडियो इम्यून एसे की बात करने वाले हैं विच इज रिया। तो ये इम्पोर्टेंट इन सभी एग्जाम्स के लिए है, तो जिन बच्चे ने भी ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप ये टेक्निक जरूर पढ़ के जाएं, बिकॉज बहुत हेल्प करने वाली है ना। और इसके बाद मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस डाले हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, तो उसके थ्रू आपका पूरा जो चीजें हैं यहाँ से कवर हो जाएंगे। देखो, रिया जो होती है उसे रेडियो इम्यून एसे बोला जाता है, तो पहले मैं समझा देती हूँ, फिर थोड़ा बहुत थ्योरी हम देख लेंगे। ये RIA है, ओके। किसने दिया था? येलो एंड बर्सन ने दिया था, और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी यहाँ पे मिला था। ये जो टेक्निक है ये दो चीजों पे काम करती है, एक तो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे काम करती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं एंटीजन की बात करती हूँ, ठीक है, एंटीजन के पास में एक अपना एपिटोप होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी से बाइंड करता है, और एंटीबॉडी के पास में क्या होता है, पैराटोप होता है। तो अगर देखा जाए, जैसे ये माना तुम्हारी एंटीबॉडी हो गई और उसके ऊपर एंटीजन बाइंड करेगा, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन होता है इसे इम्यून कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग है, जो उनकी आपस में जो बाइंडिंग करने की कैपेसिटी है, उसका यूज करके हम इस एसे को यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, एक इम्यून एसे बोला जाता है, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, उसकी वजह से हम ये टेस्ट जो है यहाँ पे कैरी आउट कर पाते हैं। नाउ अगर हम रिया की बात करते हैं, तो नॉर्मली अगर एलाइजा के टर्म में देखा जाए तो ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। काफी ज्यादा सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर आप बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पे भी अगर कम काम कर रहे हो, तब भी ये मटेरियल को डिटेक्ट कर सकती है। जैसे माना कि 0.001 नैनोमीटर पे अगर काम कर रहे हो, तब भी ये क्या कर सकती है, चीजों को वहां पे डिटेक्ट कर सकती है। सेकेंड चीज, यहाँ पे ये जो तुम्हारी रिया है, अभी प्रिंसिपल हम देखेंगे, डोंट वरी, ये किस पे बाइंड करती है, ये कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग पे बेस्ड है। अब कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट। जैसे माना कि ये तुम्हारा एक एंटीजन है, ठीक है, अब ये क्या है, ये लेबल्ड एंटीजन है। लेबल्ड एंटीजन है मतलब मैंने किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल को यूज किया है, जैसे तुम्हारा H3 हो गया है, C14 हो गया है, I125 हो गया है, मैंने ये सब कुछ यूज करके इसको लेबल्ड कर दिया है। एक ऐसा है जो अनलेबल्ड एंटीजन है, अनलेबल्ड एंटीजन है, ओके, अनलेबल्ड एंटीजन है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मुझे नोन नहीं है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मैं ये वाला किसी के सीरम से निकाल रही हूँ या फिर प्लाज्मा से निकाल रही हूँ, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है मुझे पता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है। अब क्या होगा, ये मेरी एंटीबॉडी हो गई है, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं, हम रेडियोएक्टिव मटेरियल जो होता है, जो एंटीजन होता है, उसको एंटीबॉडी के साथ में बाइंड कराते हैं। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जो हमारे अनलेबल्ड एंटीजन है वो भी डालते हैं। अब क्या करेंगे, ये आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे कि मुझे बाइंड होना है कि मुझे बाइंड होना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारे जो अनलेबल्ड वाले हैं, वो ये जो लेबल्ड वाले हैं उनको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, खुद जाके बाइंड कर जाते हैं। अब ये जो बाहर निकाले हैं, अब मैं इनको यूज कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि इनकी रेडियो एक्टिविटी मेजर कर सकती हूँ, मेजर करने के बाद में कॉन्सेंट्रेशन भी इनकी मुझे पता चल जाएगी। इस तो ये पूरा जो होता है रिया होता है, जो तुम्हारी कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग पे बेस होता है। अब ये जब हमने पता कर लिया, तो हम इससे कर्व भी जनरेट कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड कर्व होता है, जो हम जो नोन अमाउंट होती है अनलेबल्ड एंटीजन की, उसकी हेल्प से यहाँ पे पॉसिबल कर पाते हैं। नाउ कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या हो गया, कि जो अनलेबल्ड एंटीजन है इन द टेस्ट सैंपल इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू कम्पीट विद अ लेबल्ड एंटीजन इन द इम्यून एसे। तो ये जो होता है कॉम्पिटेटिव, जो तुम्हारी बाइंडिंग है उस पर डिपेंड करता है ये वाला एसे। अब हम प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है, ये सारा मैं समझा चुकी हूँ, तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, इट इज अ टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग बिटवीन द रेडियो लेबल्ड एंटीजन, जो रेडियो लेबलिंग करी है विद द हेल्प ऑफ H3 हो गया है, C14 हो गया है, फिर I125 हो गया है, एंड अनलेबल्ड एंटीजन विद सेलेक्टेड एंटीबॉडी दैट फाइनली हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो काम होता है इसका प्रिंसिपल होता है किसका, रिया का। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। जब हम रिया की बात करते हैं, देखो जब हम रिया की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं, कि यहाँ पे आपको एक क्वालिटेटिव मेथड से पता कर सकते हैं हम कि उसका पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, रेडियोएक्टिविटी कितनी है, या फिर हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर सकते हैं। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, कि तुम्हारी रेडियोएक्टिविटी कितनी है, कम है, ज्यादा है, हम इतना पता कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में हम क्या पता कर सकते हैं, कि रेडियोएक्टिविटी कितनी है, और हम ग्राफ के ऊपर उसको पूरा मेजर करके हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी पता कर सकते हैं। तो ये दो मेथड जो है तुम्हारे रिया के लिए यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अगर हम क्वालिटेटिव मेथड की बात करते हैं तो कैसे होगा, क्वांटिटेटिव कैसे होगा, हम आगे देखते हैं। देखो,
जिसे माना कि ये है तुम्हारा माइक्रोडाइटर प्लेट, ठीक है, ये है तुम्हारा, उसके ऊपर क्या है एंटीबॉडीज जो है वो हमने लगा रखी है इस माइक्रोडाइटर प्लेट पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं लेबल्ड एंटीजन को लेते हैं, किसको लेते हैं लेबल्ड एंटीजन को लेते हैं, जिसे हम हॉट एंटीजन भी बोलते हैं, बहुत गर्म है क्योंकि लेबल्ड किया हुआ है तो लेबल्ड एंटीजन होगा, और जिसे हॉट एंटीजन भी बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन में इस हॉट एंटीजन को यहाँ पे डालते हैं, डालेंगे, डालने के बाद क्या होगा वो एंटीबॉडी के साथ में अपना कनेक्शन शो करेगा और जाके वहां पे उसके पैराटोप से जाके बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, सिंपल सी बात है। नाउ नोन अमाउंट ऑफ एंटीजन इज लेबल्ड विद अ रेडिएटिव एलिमेंट विच इज कॉल्ड अ हॉट एंटीजन मिक्स्ड विद अ नोन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो हमने इसको एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करने के लिए छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, अब ये हमें सिर्फ चार ही तो चाहिए थे क्योंकि इसके साथ बाइंड करने थे, एक्स्ट्रा को हम क्या करते हैं वॉश कर देते हैं। वॉश करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसका कुछ परसेंटेज यूज करते हैं, जैसे 1% इसका लेते हैं, अबाउट 36% हमारा डिस्टिल वाटर होता है और 63% जो होता है हमारा एसिटोनाइट्राइल होता है, तो हम ये इसका कुछ अमाउंट यूज करते हैं वॉशिंग करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है जो एक्स्ट्रा एंटीजन थे वो यहाँ पे पूरे हट जाते हैं, तो जो हमें एंटीजन चाहिए हॉट एंटीजन वही यहाँ पे रह जाते हैं। तो ये वाला काम हो गया है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा माइक्रोटेटर वेल हो गया है, हॉट एंटीजन हो गया है, अब हम क्या करते हैं कोल्ड एंटीजन डालते हैं। कोल्ड एंटीजन का मतलब होता है कि वो एंटीजन जो हमने किसी पेशेंट से लिया है, किसी पेशेंट से लिया है एंटीजन, और हम क्या करते हैं उसको हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे, इस सॉल्यूशन में हम इसको डाल देंगे। नाउ इंटरेस्ट और अनलेबल्ड विच वी कॉल्ड कोल्ड एंटीजन इज एडेड, जो हम किसी पेशेंट से लेते हैं प्लाज्मा या फिर सीरम से लेंगे, ओके। लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं कि ये जो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कॉम्पिटिटिव जो तुम्हारा बाइंडिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, कोई कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, तो तुम्हारे जो कोल्ड एंटीजन है, जो ये कोल्ड एंटीजन है वो क्या करेंगे हॉट एंटीजन को यहाँ से हटा देंगे, कॉम्पिटिशन करके लड़ाई हो जाएगी और हॉट एंटीजन को बाहर निकाल देंगे, कोल्ड जो होगा वहाँ पे बाइंड कर जाएगा। यहाँ पे एक बाइंड करा है, दो बाइंड करा है, और दो कौन से हॉट वाले यहाँ पे बाइंड करे हैं, लेकिन ये तो सारे सबको हटा देंगे वहाँ पे, तो कोल्ड एंटीजन आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द हॉट एंटीजन, तो उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा, सारे के सारे कोल्ड बाइंड कर जाएंगे और सारे जो हॉट एंटीजन थे, जो लेबल्ड एंटीजन थे, सारे के सारे हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम उसको पूरा ले लेंगे सॉल्यूशन को, ऊपर वाले को, और उसके बाद क्या कराते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, उसको बहुत बहुत तेज तेज घुमा देंगे। अब घुमाने के बाद में एक सुपरनेटेंट फ्लूड बन जाएगा, ठीक है। अब सुपरनेटेंट फ्लूड में क्या होता है, तुम्हारे जो हॉट एंटीजन है वो उसमें ही प्रेजेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, सुपरनेटेंट में होंगे, ओके। रिमूवल ऑफ द हॉट एंटीजन बाय वॉशिंग, उसको बाहर निकाल लिया, उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद में हम क्या करते हैं सुपरनेटेंट में जो तुम्हारे हॉट एंटीजन थे उनको लिया जाता है, निकाला जाता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं मेजर द रेशियो बिटवीन द रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट एंड दैट ऑफ द स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड लिया था स्टार्टिंग में, जो अब हम ले रहे हैं, ठीक है, हम उसके बीच में देखते हैं कि हम रेशियो क्या आया है, क्यों, क्योंकि अगर एक एंटीजन आया है तो उसकी रेडियोएक्टिविटी इतनी होगी, अगर दो बाहर निकाले हैं कोल्ड एंटीजन है तो उसकी रेडियोएक्टिविटी इतनी होगी, अगर तीन बाहर आए हैं तो उसकी रेडियोएक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई होगी, अगर जितने ज्यादा अनलेबल्ड होंगे उतने ही लेबल्ड बाहर निकले होंगे, तो इस लेबल्ड के बेसिस पे, इसकी जो रेडियोएक्टिविटी है उसके बेसिस पे मुझे पता चल जाएगा कि इसका क्या रिएक्शन जो है देखने को मिला है। तो देखो दस द पॉसिबल टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंटीजन विच इज प्रेजेंट इन द सैंपल, तो मुझे पता चल जाएगा कि सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ एंटीजन जो था प्रेजेंट था। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, तो अगर फिर भी अगर कुछ भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इस चीज को समझा दूंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी ये सारी जो है तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, तो दैट माइट बी पॉसिबल चीजें समझ में ना आए, तो जस्ट लेट मी नो, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना है। ये तुम्हारा क्या हो गया एंटीबॉडी हो गया है, ये तुम्हारा हॉट एंटीजन हो गया है, जो कौन सा है, जो लेबल्ड एंटीजन है जिसमें रेडियोएक्टिविटी लेबल्ड है, वो तुम्हारा यहाँ पे मैंने डाल दिया है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे एड स्टैंडर्ड अनलेबल्ड एंटीजन नोन वैल्यू। अब यहाँ पे क्या डालते हैं, जो हम अनलेबल्ड एंटीजन डालते हैं उसकी नोन वैल्यू होती है, नोन वैल्यू होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे माना कि तुमने ये कोल्ड एंटीजन डाला है, कोल्ड एंटीजन डाला है, अब इसकी कैसे वैल्यू तुम्हें पता है और कैसे तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा, देखो जैसे माना कि मैंने ये वाला जो अनलेबल्ड एंटीजन है पहले नहीं डाला है, पहले नहीं डाला है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे सारे हॉट एंटीजन जो होंगे एंटीबॉडी से बाइंड करे होंगे, सारे के सारे बाइंड करे होंगे, तो कोई भी जो हॉट एंटीजन है बाहर नहीं आएगा, ऑब्वियसली सबके सब बाइंड करे होंगे, तो यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो है देखने को नहीं मिलेगी, 0% रेडियो एक्टिविटी जो है देखने को मिलने वाली है, पहला केस ये होगा। अब क्या हुआ कि मैंने एक जो है मैंने समझा, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड है तो इसलिए हम वैल्यू पे खेलेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे माना अब मैंने क्या करा, 1 ng/ml कोल्ड एंटीजन डाल दिया। अब कोल्ड एंटीजन डाल दिया, अगर मैं 1 ng/ml एक डाल रही हूँ, जैसे माना कि एक डाला है मैंने, तो वो क्या करेगा, एक अगर आ रहा है अनलेबल्ड वाला वो तुम्हारे एंटीबॉडी से बाइंड करेगा और एक हॉट को बाहर निकालेगा, अब इसकी जो रेडियो एक्टिविटी आएगी, जैसे माना इसकी आई है तुम्हारी 10% आई है। अब क्या हुआ, मैंने 2 ng डाल दिया, मैंने 2 ng क्या डाल दिया, पर ml कोल्ड एंटीजन डाल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, 20% रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब मैंने क्या करा, 3 ng/ml डाल दिया, तो अब रेडियो एक्टिविटी और बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि हॉट एंटीजन भी तो उतने ही बाहर निकलते जाएंगे ना जितने उससे वो बाइंड करते जाएंगे। तो ये क्या होगा, जब तक पूरे जो लेबल्ड वाले हैं बाहर निकल जाएंगे और अनलेबल्ड वाले पूरे एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएंगे, तब हमें 100% रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी देखने को मिल जाएगी। अब ये देखते कैसे हैं, हम मेजर जो करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं गामा काउंटर, यूज कर सकते हैं, सिंटिलेशन काउंटर यूज कर सकते हैं। तो ये काउंटर यूज किए जाते हैं इस रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे देखा इनिशियली 0% थी, ठीक है, क्योंकि कोई भी हॉट एंटीजन यहाँ से रिप्लेस नहीं हुआ था, लेकिन जैसे वो रिप्लेस होते जाएंगे वैसी जो रेडियो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, 10% से 20%, फिर 30%, फिर 40%, 100% तक वो चली जाएगी। तो अगर हमें ग्राफ बनाना हुआ, तो रेडियोक्टिविटी पहले कितनी थी, पहले सिर्फ 10% थी, फिर 20% हुई है, फिर 30% हुई है, फिर 40% हुई है, ऐसे ऐसे करके टोटल तुम्हारी 100% हो गई है, ठीक है। और हमने क्या करा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन एंटीजन, मतलब कौन सी, जो अनलेबल्ड वाला था वो भी तो हमने डाला था, पहले 1 ng/ml डाला, फिर 2 ng/ml डाला, फिर 3 ng/ml डाला, तो ऐसे से हमने उस चीज को बढ़ाया। तो अगर हमें पता करना है कि कितने लेबल्ड एंटीजन जो है रेडियोएक्टिविटी यहाँ पे शो कर रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर हमें ये पता करनी होगी, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, कि हम पता कर सकते हैं कि अच्छा 30% पे इतना हुआ है तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी, 2.5 अराउंड जो है कॉन्सेंट्रेशन उसकी होगी, उतनी कॉन्सेंट्रेशन उसकी होने वाली है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने देखा होगा अपने कॉलेज में, एक टीचर जो देता है एक नोन वैल्यू देता है तुम्हें, ठीक है, और एक ऐसी देता है जो अननोन वैल्यू होती है। अब तुम्हें नोन वैल्यू के बेसिस पे तुम्हें अननोन वैल्यू का पता लगाना होता है। तो वही काम है, तुम्हारे पास ये नोन वैल्यू थी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी तुमने मेजर करी है बाय यूजिंग तुम्हारे सारे काउंटर्स को यूज करके, उसके बाद में तुम्हें ग्राफ बनाना होता है और उसके बाद में देखना होता है कि अच्छा इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आके रुक रही है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रुक रही है, तो इससे पता चल जाता है कि अच्छा जो अननोन की कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होने वाली है। तो यही रिया का टेक्निक होता है जिसमें हम ये चीजें यूज करते हैं। ओके, अब एडवांटेजेस क्या है, हाईली स्पेसिफिक है पहली बात तो, क्योंकि ऑब्वियसली एक एंटीजन जो है एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, किसी और से तो बाइंड नहीं करेगा, तो हाईली स्पेसिफिक है, हाईली सेंसिटिविटी है, और ये बता चुकी हूँ क्यों होता है, पॉसिबल टू डिटेक्ट अ पिकोग्राम ऑफ एंटीजन, इतना भी ये पता कर सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी कभी क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ना, जो तुम्हारा क्वालिटेटिव मेथड में मैंने यूज किया था, वहां हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज कर सकते हैं और वहाँ पे सेफरोज बीड्स का भी यूज होता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे रियूजेबल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यूज नहीं है, लेकिन हाईली स्पेसिफिक हाई सेंसिटिविटी ये याद रखना है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नॉर्मली एप्लीकेशन ही पूछी जाती हैं, तो अगर कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, जैसे माना कि किसी भी हॉर्मोन का हॉर्मोन की कोई भी ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होती है कि ग्लूकागॉन ज्यादा हो गया है, इंसुलिन कम हो गया है, या फिर थायराइड हार्मोन जो है वो कम बन रहा है, तो कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर अगर हमें पता करना है तो हम अननोन वैल्यू के बेसिस पे अननोन वैल्यू के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ओके, कोई भी ड्रग अब्यूज है उसकी कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन हो ब्लड में वो भी पता चल जाती है, नार्कोटिक ड्रग डिटेक्शन ये भी पता चल जाता है,
ट्रैकिंग ऑफ ल्यूकेमिया वायरस वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिटेक्ट हेपेटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग द ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, तो ये भी देखने के लिए तुम्हारा यहाँ पे रिया टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो, अ रिया कैन बी एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्शन ऑफ इंसुलिन इन अ ब्लड प्लाज्मा। For this, I-125 labeled insulin is mixed and allowed to bind with a known concentration of anti-insulin antibody. A known volume of patient blood plasma. तो क्या है? Known volume तो क्या है? Patient के blood plasma की मतलब जो है unlabeled antigen है. Unlabeled antigen की तो value known है, plus antibody की value known है, लेकिन जो labeled antigen है उसकी value known नहीं है. Then added to the conjugate, allowed to compete with the antigen binding site of the antibody. The bound antigen is then separated from the unbound ones and radioactivity of the free antigen is then measured by the gamma counters. The following are the sum of the statement made it about this assay. Dekho, the ratio of the radioactive count for the unbound antigen to the bound one is more at end of the reaction. Dekho, yaad kaise rakhna hai? Dekho, ek hota hai unbound antigen, theek hai? Aur ek hota hai bound antigen. ठीक है, बाउंड एंटीजन मतलब जिस जो एंटीबॉडी से बाइंड है और ये जो एंटीबॉडी से बाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसमें बोला है द रेशियो ऑफ रिएक्टिव काउंट फॉर अनबाउंड एंटीजन टू द बाउंड वन इज मोर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा इसमें क्या बोला गया है कि जो अनबाउंड एंटीजन है मतलब जो एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करा गया है, तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा तुम्हारा रिएक्टिविटी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर जो तुम्हारा हॉट एंटीजन होता है वो कैसे होता है, अनबाउंड फॉर्म में होता है, अनबाउंड फॉर्म में होता है और उसकी हम रिएक्टिविटी चेक करते हैं। जितना ज्यादा अमाउंट इस अनबाउंड का होता जाएगा, जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही रिएक्टिविटी इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द रिएक्टिव काउंट फॉर द अनबाउंड एंटीजन टू द बाउंड वन इज मोर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। The ratio of the radioactive count for the unbound antigen is least, नहीं कि less नहीं होगा, least नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि unbound जब ज़्यादा होता है तभी जो radioactivity है वो ज़्यादा आती है at the end of the reaction. Now for the diabetic patient, देखो diabetic patient कौन से होते हैं जिसमें या पे तो insulin की concentration जो है कम होती है। इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगी तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, ग्लूकोज देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ एक बार डायबिटीज वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो जनरली बात कर रही हूँ, अभी डायबिटीज वन और टू की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली बात कर रही हूँ। देखो ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लाइकोजन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, कौन सा हार्मोन काम करता है, इंसुलिन यहाँ पे काम करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे तुम्हारे ब्लड के ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है वहाँ पे इंसुलिन काम करता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब ये इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता है, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है या फिर कोई भी म्यूटेशन हो जाती है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम जाता है, तो इंसुलिन अगर कम हो जाता है तो ब्लड जो है ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज जो है इंक्रीज होता जाएगा और तुम्हारा क्या होता है डायबिटिक जो पेशेंट है उनमें ये चीजें जो है देखने को मिलती हैं। तो समझ में आ गया होगा ना, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ऑब्वियसली इंसुलिन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम होगी, ठीक है, कम होने वाली है। तो इसमें क्या है, द रेडिएक्टिव काउंट फॉर फ्री एंटीजन, जो फ्री एंटीजन की मैं बात करती हूँ, इज लेस देन दैट द नॉर्मल इंडिविजुअल। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल में जो होता है इंसुलिन ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो डायबिटीज वाला पेशेंट होता है उसमें जो फ्री एंटीजन है, जो इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, वो यहाँ पे कम होने वाली है। तो इसीलिए जो आर वाला हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर नहीं होगी यहाँ पे, लेस यहाँ पे होने वाली है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो तुम्हारा पी एंड आर विल बी राइट वन, तो ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिया फॉर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, बताया था एंडोक्रिनोलॉजी, रेडियोएक्टिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज एडेड टू द रिया कॉकटेल व्हेन द अमाउंट ऑफ द बाउंड हार्मोन वाज मेजर्ड, नो काउंट्स वर ऑब्जर्व। मतलब क्या हुआ कि जब हमने बाउंड हार्मोन का पता करा तो कोई भी हमें पता नहीं चला, उसकी रेडियोएक्टिविटी कुछ पता नहीं चली, अब कैसा क्या होगा। रेडियोएक्टिव हार्मोन वाज इनसफिशिएंट, ये तो हम अपनी तरफ से डालते हैं तो वो तो इनसफिशिएंट वाली कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी तरफ से हम पूरा ट्राई करेंगे, हमें पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। रेडिएक्टिव टैग टू द हार्मोन कम्प्लीटली डिसोशिएटेड ड्यूरिंग स्टोरेज, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये हमारी नजरों के सामने नहीं आएगा,
हो सकता है कि जो हमने रेडियोएक्टिव टैग लगाया है वो तुम्हारा स्टोरेज के टाइम पे, मतलब हो सकता है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया हो, तो इसलिए हमें वहाँ पे जो रेडियोएक्टिविटी है वो देखने को ना मिली हो, तो ये वाली पॉसिबिलिटी है। एंटीबॉडी वॉज नॉट एडेड टू द कॉकटेल। अब देखो इसमें क्या है एंटीबॉडी, क्योंकि अगर तुम्हारा जो माइक्रो टाइटर प्लेट होता है, अगर उसमें हो सकता है कि तुम्हारा जो कॉकटेल जो तुमने ऐड करी थी, ऊपर से जो कॉकटेल ऐड करी थी उसमें हो सकता है एंटीबॉडी तुमने ऐड ही ना करी हो, तो ये वाली पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ ट्रिटियम जो H3 होता है वॉज लो। नहीं बेटा, क्योंकि अगर रेडियोएक्टिविटी तुम प्रॉपरली डाल रहे हो, जो उसकी जो एक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, वो अचानक से लो नहीं हो जाएगी, तो ये वाली चीज भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, Q एंड R विल बी राइट वन, तो C जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होंगी, अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और रिया का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है कि कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग होता है, वो इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी वाला इंपॉर्टेंट है, हाईली स्पेसिफिक वाला इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस याद रखना है क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंडोक्रिनोलॉजी याद रखना है, और एलाइजा से ज्यादा सेंसिटिव जो है रिया यहाँ पे हो जाती है। और अगर फिर भी कोई इशू आता है मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, आई होप चीज समझ में आ गई होंगी। एंड और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।